हेलो बच्चों, स्ट्रेट लाइंस का कंप्लीट रिवीजन अपन करेंगे। छोटे छोटे एकदम आपके रिवीजन कैप्सूल्स रहेंगे, है ना, 5 to 10 मिनट्स के। हर टॉपिक को मैं अलग अलग वीडियो में कवर करूँगा। आप उसको बस मस्ती में देखिए, देखते जाइए और नोट करते जाइए। अगर आपको नोट नहीं भी करना है तो वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन में, अगर आप देखेंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आपको एक लिंक मिलेगा गूगल ड्राइव का। वहाँ से पूरा का पूरा PDF डाउनलोड कर सकते हो आराम से। एक और PDF मिलेगा वहाँ पे, सेम क्या PDF रहेगा, वो रहेगा PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, 41 ईयर के बुक जो है उसी का एक PDF है। बाई चांस आपके पास बुक है तो आप बुक से कर लेना, PDF नहीं हो, बुक नहीं हो तो आप PDF से कर सकते हो। आई थिंक इट्स क्लियर, लेट अस स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला। मेरे ख्याल से आपको कार्टेशियन प्लेन वगैरह सब पता है, तो वो छोटी छोटी बातें समझाने की जरूरत नहीं। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, दो पॉइंट गिवन अगर स्पेस में, तो एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी, दोनों कोऑर्डिनेट्स पता है तो उनका फार्मूला होता है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और होल अंडर रूट भी रहता है इन सब चीज़ों का। फिर उसके बाद हम देखेंगे सेक्शन फार्मूला। अगर हमारे पास एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट पी फॉर पकौड़ा, वो बीच में आया, बीच में आया है ना, इंटरनली। सेक्शन फार्मूले में डिवीजन दो तरह के होते हैं, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। तो पॉइंट पी बीच में आया और उसने इंटरनली ए बी को डिवाइड करा m:n रेशियो में, मंकी इज टू नलायक रेशियो में। तो उसका फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला होता है m(x2+nx1)/m+n और सेम विद वाई एक्सेस। देखिए, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो भी रेशियो उसको पकड़ो और दूर वाला एक्स कोऑर्डिनेट जो है उससे मल्टीप्लाई कर दो। दूर वाला, पास वाला तो x1 होता है ना, दूर वाला x2 है। तो mx2 दिख रहा है आपको, mx2+n(x1) आ जाएगा, है ना, और इधर भी my2+ny1 जब y निकालोगे। तो ये इंटरनल डिवीजन का सेम फार्मूला है। जब हम एक्सटर्नल डिवीजन की बात करते हैं तो क्या होता है कि पॉइंट पी एक ऐसा पॉइंट है जो कि इस लाइन ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड करता है। आप सुनने में अजीब लगता है कि एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है, लेकिन पॉइंट पी उसको इस तरह से डिवाइड करता है कि देखिए, इंटरनल में हमने एक चीज़ ये देखी थी कि पी ए इज टू पी बी, पी ए अपॉन पी बी जो है वो एम अपॉन एन होता है ना। एक चीज़ हमेशा याद रखा रखना चाहिए आपको कि जो पॉइंट पी है, जो डिवाइड कर रहा है पॉइंट, वो पॉइंट उसको आप लिखो एक बार ए के साथ एक बार बी के साथ, खत्म, आपका रेशो आ गया। समझ में आ रहा, एक बार ए के साथ एक बार बी के साथ। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो पॉइंट पी इसको डिवाइड कर रहा है, भले ही एक्सटर्नली कर रहा है, तो पी को एक बार ए के साथ लिखा पी ए, फिर पी को एक बार बी के साथ लिखा पी बी, तो पी ए अपॉन पी बी क्या आ गया, एम अपॉन एन। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल डिवीजन हो गया। लेकिन ये इस तरह का एक्सटर्नल डिवीजन हुआ कि पूरा का पूरा पी ए, आपको ये दिख रहा होगा ये ग्रीन वाली लाइन, ये पूरा का पूरा एम है और वो छोटा वाला एन है, तो m:n के रेशियो में डिवाइड हुआ। इसके फॉर्मूले में सब कुछ सेम रहता है, बस ऊपर यहाँ पे जैसे कि प्लस था तो इधर फॉर्मूले में माइनस आ जाएगा, जो कि आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अच्छा, इसका एक ट्रिक भी होता है, जब भी आपको एक्सटर्नल डिवीजन दिया जाए, है ना, मान लो कि आपके पास दो पॉइंट्स है। चलिए, इसको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन से समझा देता हूँ ट्रिक को। ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, अगर आप चाहते हो तो पॉज करके खुद से इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर प्ले करना। ओके, चलिए, होपफुली आपने सॉल्व किया होगा। देखिए, इसको करने का तरीका क्या होता है, एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी और उन दोनों पॉइंट को पॉइंट पी एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है इन द रेशो, और पॉइंट पी एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, मतलब फोटो कुछ इस तरीके से होना चाहिए था कि पॉइंट ए ये रहा 2.3 और पॉइंट बी ये रहा 7.9। इसने क्या करा है, पॉइंट पी ने बाहर से आया और चुपचाप डिवाइड करके चला गया, है ना। तो अपन क्या करते हैं, कोई भी एक्सटर्नल डिवीजन रहता है, रेशो क्या है 2:3, तो कोई भी एक्सटर्नल डिवीजन रहता है तो आप क्या किया करो कि उसको इंटरनल बना दिया करो। पॉइंट पी को ज़बरदस्ती ऐसा बोलो कि वो बीच में आ गया, और बीच में आ गया ना तो आप रेशो को हमेशा चेंज कर दो, 2:3 को 2:-3 कर दो बस, है ना। हमेशा जो बाद वाला रेशो है, जैसे 3 जो है बाद में था ना, उसको आपने नेगेटिव कर दिया। अब इसके बाद प्रोसीड एज वी यूज टू डू इन इंटरनल डिवीजन, जैसे अपन सेम करते थे। देखिए, 2:7+-3:2, है ना, अपॉन 2+-3, और 2:-9+-3:3, वही चीज़ लिखा हुआ है। आप पॉज करके इसको आराम से नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो करना क्या होता है, आपको एक्सटर्नल को इंटरनल बना देना है, बस ये बाद वाला रेशियो नेगेटिव बोल देना। कंसेप्ट ऑफ हार्मोनिक कॉन्जुगेट देखिए क्या होता है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। एक पॉइंट पी है, उसने क्या करा, ए बी लाइन को, लाइन ए बी दिख रही है आपको, उसको अंदर से डिवाइड करा इंटरनली, किस रेशो में, मंकी इज टू नलायक, m:n रेशो में। पॉइंट क्यू आए, बोले नहीं नहीं मैं भी डिवाइड करूंगा। हमने कहा ठीक है कर लो, इसने भी डिवाइड करा बट इन द सेम रेशो एक्सटर्नली, दोनों ने सेम रेशो में डिवाइड करा बट एक ने इंटरनल एक ने एक्सटर्नल। तो ऐसे दो पॉइंट जो कि ए बी लाइन को सेम रेशो में डिवाइड करते हैं m:n बट एक इंटरनल एक एक्सटर्नल, तो ऐसे दो पॉइंट्स क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के हार्मोनिक कॉन्जुगेट। मतलब पॉइंट पी एंड क्यू आर कॉल्ड हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, क्लियर है क्या। अच्छा, और जब भी हार्मोनिक कॉन्जुगेट कहलाते हैं तो आप क्या करो, देखिए ए से लेके पी तक की
डिस्टेंस ए पी, फिर ए से लेके बी तक की डिस्टेंस ए पी ए बी, फिर ए से ले तक ए से लेकर क्यू तक की डिस्टेंस है ना, सॉरी ए क्यू, ये तीनों एच पी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में कहलाएगी, है ना। जब भी ऐसा होगा हार्मोनिक कॉन्जुगेट में, जब भी ऐसा होगा तब वो तीनों डिस्टेंस ये ए बी ए बी और ए क्यू, ए पी ए बी और ए क्यू तीनों एच पी में कहलाएगी। चलिए एक क्वेश्चन है, पॉज करके आप इसको सॉल्व करिए खुद से, आई होप आपने किया होगा खुद से सॉल्व ईमानदारी से। देखिए क्या बोल रहा है, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी आर दिस एंड दिस, फाइंड द पॉइंट पी विच डिवाइड्स ए बी, ए बी इंटरनली इन द रेशियो 1:2। तो ये तो बहुत आसान है, एक पॉइंट पी है वो ए बी को इंटरनली डिवाइड करा, इंटरनल डिवीजन इज वेरी इजी। तो अपन ने क्या बोला कि फॉर्मूला लगा दिए, ये देखिए 1:9 और 2:0, mx2 plus nx1 upon 1 plus 2, ठीक है। तो ये डिवीजन तो हो गया अपना इंटरनल डिवीजन, अब एक्सटर्नल डिवीजन, सॉरी इंटरनल का क्या आ गया आपके पास पॉइंट पी 3,0। अब उसके बाद बोल रहा है ऑल्सो फाइंड इट्स हार्मोनिक कॉन्जुगेट, तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या होता है, कुछ नहीं भाई, पी ने अंदर से डिवाइड करा 1:2, और पी का हार्मोनिक कॉन्जुगेट कौन आएगा, जो कि बाहर से डिवाइड कर देगा 1:2। तो मतलब अपने को इस लाइन ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड कर देना है, बस एक्सटर्नली डिवाइड करना 1:2 से। तो आपको वो पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट ढूंढने हैं जो कि इसको एक्सटर्नली सेम रेशियो में डिवाइड करें। तो मैं आपको एक्सटर्नल का फंडा सिखा चुका हूँ कि एक्सटर्नल को भी आप 1:-2 मान के इंटरनल से कर लो, है ना। आप जब करोगे तो देखिए मैंने एकदम सेम फॉर्मूला लगाया, 1:b का कोऑर्डिनेट यहाँ से देख सकते हैं आप, बी का कोऑर्डिनेट 9 और -2 a का एक्स कोऑर्डिनेट, है ना, और सेम विद वाई कोऑर्डिनेट। हमारे पास पॉइंट पी भी आ गया, पॉइंट क्यू भी आ गया, दोनों एक दूसरे के हार्मोनिक कॉन्जुगेट, जैसे कि मैंने लिखा है पॉइंट पी इज दिस एंड इट्स हार्मोनिक कॉन्जुगेट इज दिस, ठीक है। नोट डाउन करें, अगला वीडियो रहेगा अपने पास एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और स्लोप के बारे में।